मैंने सुरख मिर्च कम डाली है, तो मैं ग्रीन चिली और जो ये चिली फ्लेक्स है इससे अपने मिर्च का बैलेंस करूँगी। सर्दियों की सौगात लाजवाब साग आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमराज किचन। सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियों की जान, सर्दियों की शान साग कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, देहाती स्टाइल में समझाऊंगी और आप बहुत ही आपको मजा आएगा इसको बना के, इसको खा के। तो सबसे पहले इसको काटना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। साग मैंने ये मोटी गंदल वाला नहीं लिया क्योंकि अभी नया साग है, ये बारीक गंदल वाला ही मुझे मिला है तो मैंने लिया है। साग की सबसे पहली जो चीज़ है हम इसको यूं तोड़ के देखेंगे, ये यूं जब जहाँ से ऐसे टूटेगा तब हम जाके हम इसको यहाँ से इसकी ये जो चीज़ें हैं ये सारी रिमूव कर देंगे, इसका जो छिलका है ये सारा रिमूव करके हम सारी जो अपनी डंडल है वो इस तरह कर देंगे। और सबसे अहम चीज़ जो है ये इसकी डंडल ज़ाया नहीं करनी कि खाली पत्ता डाल दें, नहीं, ये सबसे अहम बात है कि इसकी जितनी ज़्यादा डंडल होगी और जितनी ये सॉफ्ट होगा इसी से सॉफ्ट इसने होना है। तो ये मैं आपको 7 kg की बता रही हूँ कि 7 kg मैंने साग की रेसिपी कैसे बनानी है। 5 kg मैंने साग लिया है, 1 kg मैंने पालक ली है, 1/2 kg मैंने बाथू लिया है, 1/2 kg मैंने मेथी ली है और इन सारी चीज़ों को मिला के ये टोटल 7 kg बनेगा। इसमें हम एक दफ़ा बना के, एक दफ़ा मेहनत करके इसको हम जितना अभी चाहिए हम वो तैयार कर लेंगे। बाकी हम मैं आपको उसका फ्रोज़न का तरीका बताऊंगी कि इसको हम फ्रोज़न में ले जाएं, जब हमारा कुछ समझ ना आए, जब हमारा दिल करे हम वो फ्रोज़न को निकालें और साग को तड़का लगा लें। आप यकीन जाने बिल्कुल फ्रेश साग आपका तैयार होगा, कैसे लगेगा जैसे आपने अभी ही बनाया है। तो आए शुरू करते हैं कि मैंने आपको कैसे आगे सारी मैं डंठल ऐसे ही निकाल लूँगी और इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। काफ़ी मेहनत वाला काम है इसलिए मैं कोई एक दिन लगाती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर मुझे रोज़ रोज़ मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको सहूलत हो आप 1 kg में देख लें, अगर आपको लगे कि ये एक दिन लगा के तो आप 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बना सकती हैं तो आप फ्रोज़न में चली जाएं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। ये सारा साग बना के मैं आपको मिलती हूँ और मैं आपको कटिंग भी बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होगी। इसकी कटिंग नहायत बारीक चॉप करेंगे क्योंकि इसको हमने ग्राइंडर नहीं करना, इसको हमने ओरिजिनल तरीका जो हमारा देहाती तरीका है उसे घोटना है और उसी वो ही बेहतरीन तरीका है, उसी तरीके से हम अपने साग को तैयार करेंगे। ये सारा साग मैंने बना के रख लिया है, अब मैं आपको इसको कट करने का तरीका बताती हूँ कि इसको हमने कट कैसे करना है। इसको हमने बहुत बारीक बारीक, क्योंकि हमने इसको मैश नहीं करना, इसको हमने मैंने आपसे कहा घोटा लगाना है ओरिजिनल स्टाइल में जो हमारा देहाती स्टाइल है। इस तरह हम अपना बहुत बारीक बारीक इसके डंडल जो हैं पहले वो कट करेंगे और इसी तरह हम एंड तक सारा साग कट कर लेंगे। अब ये सारा साग कट करके आपको मैंने धोने का तरीका भी बताती हूँ कि किस तरह हमने इसको धोना है। ये मैंने धो धो के बाकी सारा रखा हुआ, ये थोड़ा सा रह गया, ये देखें मैं इसको धो के, ये पतीले में पानी है, ये देखें ये सारे पतीले में पानी है, ठीक है। तो ये धो के मैंने पहले उसमें फिर इस इधर डाला है पानी वाले पतीले में।
साग मैं रखने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसका फ्लेम ऑन करूंगी जो कि मीडियम टू लो होगा, और ये अपने ही दम में मैं इसको भी पकाऊंगी। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने में। और ये इसके साथ ही ये 1/2 kg सब्ज मिर्च है जो कि मैं ऐड करूंगी। इससे कम इसमें नहीं जाएगी क्योंकि मैंने इसको इसकी जो स्पाइस है मैंने इसी सब्ज मिर्च से पूरी करनी है। या मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, रेड चिली मैं बहुत कम ऐड करूंगी सिर्फ कलर के लिए, अदरवाइज मैं रेड चिली ऐड नहीं करूंगी। तो ये मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ, ये जब नरम होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने घोटना कैसे है। ये तकरीबन 7 किलो साग की क्वांटिटी है जो कि सारी मिला के चीजें इतनी बनी है। ये मैं आपको फ्रोजन करके भी दिखाऊंगी कि ये फ्रोजन होगा तो ये कैसे करेंगे, और मैं साथ में आपको फ्रेश तड़का लगा के भी दिखाऊंगी कि तड़का लगा के हम फ्रेश कैसे तैयार करेंगे और फ्रोजन हम कैसे रखेंगे कि जब हमारा मूड हुआ कोई चीज समझ ना आई तो साग को तड़का लगा लिया और घर में खा लिया। ये मैंने रात को 12:15 बजे इसको रखा था, अब मैंने सुबह इसको देख रही हूँ तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुआ हुआ है। मैंने इसको ग्राइंड नहीं करना, मैंने इसके साथ इसको मुलायम करना है जो कि आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये सरसों का साग है, बहुत शानदार साग है। ये इसी से मैं आपको ये अब मुलायम करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह मैंने मुलायम करना है और बगैर मैंने इसको मशीन में डाले इसको मुलायम करना है। ये मुझे इसे घोटा लगाते हुए तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है। अब माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, मैंने इसको किसी मशीन में नहीं डाला, किसी तरीके से मैं इसी तरह मैंने इसको कितना अच्छा सॉफ्ट कर लिया है और ये कितना मुलायम हो गया है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि हम इसको फ्रोजन भी इसी तरह कर लेंगे, इसको जितना हमें अभी चाहिए हम वो बना लेंगे, उसका मैं तड़का लगाना भी अभी बताऊंगी। और इस डिब्बे में जिस तरह के किसी प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के आप बाकी सारा फ्रोजन कर लें, आपको जब दिल करे आप एक दफा मेहनत कर लें, फिर आपका जब दिल करे आप फ्रोजन वाला वो निकालें, तड़का लगाएं, आपका साग तैयार है। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी, ये मीडियम टू लो होगी, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून देसी घी है। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप उससे लगा लें, मेरे पास ही अवेलेबल था मैं इससे लगाऊंगी। घी हमारा गर्म हो गया है, ये लहसुन के देसी लहसुन के 3 से 4 जवे हैं जिसको मैंने फाइन चॉप किया है। मैं आप डालूंगी सबसे पहले लहसुन डालूंगी, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक है, ये भी मैं डालूंगी अभी। चार अदर सुर्ख मिर्च है छोटे साइज की साबत, ये भी ऐड करूंगी। ये 2 टीस्पून नमक है, ये मैं ऐड करूंगी। ये 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, ये ऐड करूंगी। ये 1/2 टीस्पून से कम काफ़ी कम जो है ये हल्दी है, ये ऐड करूंगी। ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया है साबत, ये ऐड करूंगी। अब मैं साग ऐड करूंगी, ये सर्दियों की सौगात है साग। लाजवाब बनने वाला नहायत जायकेदार साग मैं बना के आज आपको दिखा रही हूँ। मज़ा ना आए तो आज फिर मैं आपसे कहती हूँ कि पैसे वापस। देसी घी का तड़का ऊपर मक्खन और मकई की रोटी, अब मैं आपको किसी दिन मकई की रोटी की भी रेसिपी डाल के दिखाऊंगी। ये मैं 1/2 टीस्पून इस स्टेज पे चिली फ्लेक्स भी डालूंगी, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। मैंने सुरख मिर्च कम डाली है तो मैं
ग्रीन चिली और जो ये चिली फ्लेक्स है इससे अपने मर्च का बैलेंस करूंगी। इसका जितना पानी है वो हम ड्राई करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे तो हमारा जो साग है वो इंशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा। सर्दियों की सौगात लाजवाब साग आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपके सामने है, कितनी आसानी के साथ मैंने आपको साग का तड़का लगाना और साग को तैयार करके फ्रोजन में कन्वर्ट करना सिखाया है। अब मैं इसके ऊपर मक्खन डालूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।